जय हिंद। इससे पहले के ग्लैंड नाम के चैप्टर के पार्ट वन में हमने आपको बहिर्श्रावी ग्रंथियों के बारे में बता दिए थे, और वहीं हम आपको बहिर्श्रावी ग्रंथि, अंतरश्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि में अंतर भी बता दिए थे। इस पार्ट में हम लोग अंतरश्रावी ग्रंथियों के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। अंतरश्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, उस ग्लैंड को कहते हैं जिससे हार्मोन निकलता है और वो ब्लड से टच हो जाता है। ब्लड से टच हो जाता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि उस हार्मोन को निकलने के लिए कोई अलग से डक्ट यानी नली नहीं थी, अतः यह नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है। इतना समझ में आ गया। अब अंतरश्रावी ग्रंथियों को हम लोग ना शरीर के हिसाब से ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन बाई लाइन हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहला आता है अंतःस्रावी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस भले ग्रंथि में पढ़ना है, बट इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम आपको ब्रेन नाम के चैप्टर में दे दी है। आप लोग को कंफ्यूजन क्यों होता है कि हर चीज हर जगह नहीं पढ़ना चाहिए, उस चीज को स्पेशली उस चैप्टर में देखिए, और जहां जितनी जरूरत हो उस चैप्टर में बस उतना ही ध्यान दीजिए। हाइपोथैलेमस एक छोटी सी ग्रंथि है, थैला है, जो ब्रेन में पाया जाता है। ये ब्रेन में पाया जाता है, ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो नर्वस हार्मोन छोड़ता है, और जिस वजह से ये पूरे अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आएगा, वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, तो हाइपोथैलेमस। ब्रेन में हम आपको बताए थे कि यही हाइपोथैलेमस है, भूख प्यास ठंडी गर्मी बरसात प्रेम घृणा इत्यादि को नियंत्रित करता है, तो वो ब्रेन में समझेंगे। यहां बस इतना समझिए कि अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सबको सब कौन कंट्रोल कर देता है, हाइपोथैलेमस। इतना समझ में आ गया ब्रेन। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग पीनियल ग्रंथि। देखिए, ये दोनों आंख के बीच में शंकर जी की जहां तीसरी आंख है ना, उसी के जस्ट वहीं पे अगर हम ऐसे खो, अगर यहां से छेद के अंदर घुसे 1 इंच, तो वहां पर मिलेगा एक छोटा सा ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब ये पीनियल ग्रंथि को ध्यान से समझिएगा, ये पीनियल ग्रंथि से दो तरह का हार्मोन निकलता है, एक निकलता है मेलाटोनिन और एक निकलता है सेरोटोनिन। तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। देखिएगा, रात के समय हमारा स्किन हल्का काला पड़ने लगता है, तो मेलानिन से याद रखिएगा, मेलाटोनिन रात के समय ये रंग को काला करता है, दिन के समय नहीं, रात के समय जब धूप नहीं पड़ेगी ना तो रंग को हल्का ये डार्क कर देता है, कौन सा मेलाटोनिन, तो ये रंग को करता है। और साथ ही साथ इसी मेलाटोनिन का ही एक अलग रूप है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये हमें नींद लाता है। ये क्या लाता है, नींद लाता है। अब यह ध्यान से समझिए, इन दोनों में एक खासियत, सेरोटोनिन कहता है कि जब तक आंख पर रोशनी पहुंचेगी हम अच्छा से नींद नहीं लाएंगे, अतः अगर चाहते हो कि नींद अच्छी आए तो लाइट बंद करो, जैसे लाइट बंद होगी सेरोटोनिन निकलने लगेगा और अच्छी नींद आएगी। इसलिए आप लोग को भी देखते होंगे लॉज वगैरह में, जब नींद आता होगा तो आप लोग कहते हैं भाई लाइट बंद करो, अब सोने जा रहे हैं। समझ में आ गया। अब इसकी एक और खासियत समझिए, छोटे बच्चों में पीनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है। कहेगा ये किस में ज्यादा सक्रिय होती है, तो छोटे बच्चों में। अब ये ज्यादा सक्रिय होगी तो ज्यादा नींद लाएगी, इसलिए छोटे बच्चों को देखिएगा नींद बहुत आता है। छोटा बच्चा को नींद लाना रहेगा ना, तो उसकी माँ दिखेगा गोद में लेके, बाबू सो जा, धड़ धड़ उसका सर हिलाइए पीट दीजिए, तो उसका पीनियल ग्रंथि उसको नींद ले आ देगा, सो। ये छोटे बच्चों में, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, ये पीनियल ग्रंथि उतना अच्छा से काम नहीं करती, इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा नींद आएगा, थोड़ा और उम्र बढ़ेगा तो थोड़ा सा नींद कम होगा। अभी आप लोगों को नींद ज्यादा लगता होगा, अपने घर में देखिएगा दादा बाबा लोग, उन लोगों को बहुत कम नींद आती है। तो समझ गए, पीनियल ग्रंथि बच्चों में काम करता है, उसको हिला दीजिएगा सो जाएगा, हम लोग में उतना अच्छा काम नहीं करता है। पता चला नींद आ रहा है, कोई आगे कर सो जा, दो झापड़ आदमी उठ को दे देगा, सचिन आपको नहीं क्या डिस्टर्ब कर रहा है। अब वही छोटा बच्चा को देखिए ना, पीट दीजिएगा बाबू सो जाता है। तो ये समझ में आ गया। इस ग्रंथि को हम लोग बायोलॉजिकल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह दोनों आंखों के बीच में यहाँ अंदर की ओर पाया जाता है, इसलिए इसे कई वैज्ञानिक तीसरी आंख या थर्ड आईज के नाम से जानते हैं। तो ये आप पीनियल ग्रंथि समझ गए। ये जो ग्रंथि होती है ये भी कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्यों अंतःस्रावी है, क्योंकि हार्मोन छोड़ता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पीनियल के बगल में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। देखिए, पीयूष ग्रंथि को हम लास्ट में देखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी आप पीयूष ग्रंथि देखने लगेंगे ना, तो पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और आपका मनोबल कमजोर होते लगेगा, आपको लगेगा कि हम बहुत कमजोर हैं बायोलॉजी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मनोबल न टूटे इसलिए हम लोग उसको साइड में देखें। समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा साइड में देखते हैं, अभी उसको रहने देते हैं, अब थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं। ब्रेन में तीन ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष, पीयूष को हम साइड में देखेंगे। अब आ जाते हैं गर्दन में, एक ही बात, अगली जो
अंतःस्रावी ग्रंथि आती है गर्दन में। गर्दन में जो ग्रंथि होती है उसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और वो बहिःस्रावी है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आउटु ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? आउटु ग्रंथि। ये बीपी को कम कर देती है, कंट्रोल कर देती है बीपी को। क्यों? क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ निकलता है? आउटु यानी थायराइड ग्रंथि। ये किस चीज का बना होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन? तो इसमें टायरोसिन पाया जाता है और आयोडीन। आप इसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आयोडीन को। अब टायरोसिन भी होता है, याद रखिएगा टायरोसिन और आयोडीन दोनों जरूरत होती है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। अब इस थायराइड ग्रंथि में तीन बीमारियां होती है, याद रखिएगा, जिसे आप सबसे ज्यादा जानते हैं ग्वाइटर यानी घेंगा। इस आयोडीन की कमी या टायरोसिन की कमी से ये घेंगा हो जाएगा, इतना बड़ा गर्दन फूल जाएगा, ये घेंगा नाम का रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। कहेगा घेंगा यानी ग्वाइटर यानी घेंगा में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो आउटू यानी थायराइड ग्रंथि। इतना समझ गया। दूसरी बीमारी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म कौन सी बीमारी होती है? देखिए इसको याद कैसे रखें, क्रिटिसाइज से याद रखें। क्रिटिनिज्म ये बच्चों में पाया जाता है। अगर ये बच्चों में टायोसिन या आयोडीन की कमी हो गई तो कोई जरूरी नहीं है कि घेंगा ही हो, वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। इससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। देखिए कोई बच्चा एकदम शांति से बड़ा रहेगा, चुपचाप, ज्यादा बोलेगा नहीं, एकदम चुपचाप मन लगा के बैठल है, तो क्रिटिसिज्म हो जाता है। और एक सबसे खतरनाक हो जाता है, अगली जो बीमारी खतरनाक हो जाती है मैक्सोडेमा नाम की बीमारी। ये मोटापा के लिए हो जाता है। इसमें क्या होता है? मांस फूलने लगता है, आदमी एकदम मोटा आ जाता है, एकदम भयानक। ये महिलाओं में ज्यादा हो जाता है ये बीमारी। तो इससे क्या हो जाता है? आदमी मोटा आके एकदम समियाना टाइप का हो जाता है, एकदम थर थर हो जाएगा, एकदम भयानक टाइप का। तो वही देखेंगे ना, थायराइड से आदमी अजीब डिजाइन से मोटा हो जाता है। तो ये तीन प्रमुख बीमारियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए ब्रेन में कितना, तीन, कौन कौन? हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम समझाएंगे, ये हो गया थायराइड। अब इसी थायराइड ग्रंथि के पीछे छोटा छोटा ग्रंथि होती है, छोटी सी दाल के बराबर, चने के दाल के साइज की ग्रंथि होती है, जो इसी थायराइड का भाई है, उसी के पीछे है, उसे हम कहते हैं पाराथायराइड। पारा मतलब पाराथायराइड, उसे हम पारा आउटू कहते हैं। इससे दो, इसे एक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि वह कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर है। तो इस पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं रहता है, ये पीयूष ग्रंथि के हिसाब से नहीं चलती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो देखिए थायराइड से निकला थायरॉक्सिन, तो पाराथायराइड से निकलेगा पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। और ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये नहीं रहेगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। तो ये चौथा आप समझ गए अंतःस्रावी ग्रंथि। अब एक और समझते हैं थाइमस ग्रंथि। ये क्वेश्चन एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था कि वक्ष, वक्ष मतलब होता है छाती, उधर मतलब होता है पेट, वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। हम लिख देते हैं कहाँ पाया जाता है? वक्ष, वक्ष में पाया जाता है यानी छाती में पाया जाता है पीनियल थाइमस ग्रंथि। याद रखिएगा इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ये प्रोटीन बनाता है और लिम्फोसाइट बनाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि में मदद करता है और लिम्फोसाइट बीमारियों से रक्षा करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये 15 साल की उम्र के बाद काम नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा जो होता है 15 साल से कम का होता है, वो खाना पीना कहीं वो नहीं करता है, नाश्ता करेगा 11 बजे, खेल के आएगा, उसकी मम्मी पीटेगी, नाश्ता क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। अरे भाई उसकी मम्मी को क्या पता कि उसके अंदर अभी थाइमस ग्रंथि काम कर रहा है। जो खाना से आप प्रोटीन दीजिएगा वो प्रोटीन उसको खुद ही मिल जा रहा है। और छोटा बच्चा को देखिएगा कबाड़ में खेलेगा, इधर घूमेगा, और देखिए छोटा बच्चा सबको एकदम छोटे रहता है, कुछ भी उठाकर इसे मुंह में डाल लेगा, बीमार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका थाइमस ग्रंथि उसमें लिम्फोसाइट बना रहा होता है। अब वही जब बड़े होइएगा, हम और आप या बूढ़े लोग, उनमें थाइमस ग्रंथि अब काम नहीं कर रही है, अब वो जल्दी बीमार पड़ेंगे और उनको प्रोटीन भी नहीं बन रहेगा, उनको ज्यादा खाने की भी जरूरत होती है। ये समझ में आ गया आप लोग को? इतनी ग्रंथियां, अभी और भी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अभी यहाँ पे आप जब तक इसका ये पांच का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी समझाते हैं कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। पांच तो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि बता दिए, अब छठवां समझिए एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को हम हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं। यह वृक्क यानी किडनी के ठीक ऊपर होता है। जब हम आपको उत्सर्जन यानी किडनी पढ़ा रहे थे तब हम आपको अधिवृक्क के दिखाए थे कि वो कहाँ होता है। किडनी के ऊपर भी ये चिपका रहता है एड्रिनल ग्रंथि।
इसे हम लोग 4S या 3F टेक्निकल नाम से जानते हैं। अब इसका हम वर्क समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन को कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। ये नाम याद रखने में बहुत सिंपल है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन। यह हार्मोन तभी निकलता है जब हम बहुत इमरजेंसी केस में फंस जाए, किसी के एक्सीडेंट देख ले या कोई हमें मारने आ जाए या एकदम भयानक गुस्सा आ जाए या बहुत टेंशन में आ जाए, तभी ये निकलता है। इससे बीपी ना एकदम भयानक तेज हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। याद करिए थायराइड से बीपी घट जाता है, ये बीपी को क्या करता है बढ़ा देता है एकदम भयानक, आदमी दांत खिंचाने लगता है। अब जिससे एड्रेनलिन निकल गया इतना गुस्सा में आ जाएगा ना, अब मारेगा ये झपड़ तो दिन में तारा दिख जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं फाइट यानी मारो एंड फ्लाइट उड़ जाओ भाग जाओ, तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। यानी जब ये एड्रेनलिन निकलेगा ना तो देखते होंगे कभी कभी गुस्सा में आदमी मारता है ना, गुस्सा समझते हैं ना बिखिया के एकदम खीस में एक झपड़ देगा ना दांत निकल जाएगा बाहर। कौन से हार्मोन की वजह से? एड्रेनलिन की वजह, एड्रिनल ग्रंथि से। कहां पाया जाता है? किडनी। समझ में आ गया। इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं? एड्रेनलिन। 4S या 3F इसी को कहते हैं। लड़ो उड़ो, लड़ो मतलब फाइट, उड़ो मतलब फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ना समझ में आ गया। अब हम लोग सातवां समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिए। गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड किसे कहते हैं? जितने भी जनन ग्रंथि होती है, जनन ग्रंथि एक मेल में होगा ये टेस्टिस और फीमेल में होगा ओवरी, तो ध्यान दीजिए गोनाड ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि। इससे कौन से हार्मोन निकलेंगे? स्पष्ट है कि जनन हार्मोन निकलेंगे। अब किराना की दुकान पर मछली थोड़ा मिलेगी, किराना का सामान मिलेगा, तो जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? जनन हार्मोन। अब यही समझिएगा, जितने भी जनन हार्मोन होते हैं वो स्टेराइड के बने होते हैं। ये हम न्यूट्रिशन चैप्टर में बताएंगे स्टेराइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। जितने हार्मोन है सभी के सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन लेकिन याद रखिएगा जनन हार्मोन स्टेराइड के बने होते हैं। इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल से चर्चा प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन नामक चैप्टर में किया जाता है। ग्रंथि नामक चैप्टर में उतनी चर्चा इस पर नहीं की जाती है, फिर भी हम आपको थोड़ा इस पर बता देते हैं। गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथियां मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल में जो जनन ग्रंथि है टेस्टिस, उसके दो टेस्टिस होते हैं जो शरीर के बाहर होते हैं, तो ये हो गए टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसी के कारण पेशाब में थोड़ा सा गंध भी आता है। टेस्टोस्टेरोन ये उसके जनन हार्मोन है, ये हम प्रजनन में आपको समझाएंगे। कुत्ता देखिएगा पेशाब कर करके अपना बॉर्डर बना देता है, किस से? क्योंकि उसके पेशाब में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है। मेल के पेशाब में भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है। फौजी जब सोते हैं ना तो चारों ओर जंगल में ना पेशाब कर देते हैं ताकि कोई जंगली जानवर ना आए। किस हार्मोन की वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। कुत्ता कभी कभी रात में ना मोटरसाइकिल पर पेशाब कर देता है और बॉर्डर बना देता है कि भैया ये मेरा एरिया है। सुबह बेचारा मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल लेके चला गया। अब दूसरे के एरिया में घुसेगा तो कुत्ता सुनेगा, अरे अरे दूसरा कुत्ता का गंध आ रहा है, अब वो मोटरसाइकिल को दौड़ा देता है। लोगों को लगता है इसने हमारा मोटरसाइकिल से क्या लगा हुआ है इसको, फिर मोटरसाइकिलिया में कोई कुत्ता पेशाब किया हुआ है। समझा क्या? कुत्ता एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाते हैं, कुत्तों के दुनिया में रोमिंग नॉट अलाउड, वो लोग रोमिंग का चाय लेता है। तो ये मेल का पहला हो गया टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा स्पर्म होता है जो प्रजनन में मदद करता है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ओवरी भी दो होती है, जिस तरह से मेल में दो टेस्टिस होते हैं उसी तरह फीमेल में दो ओवरी होती है। समझ में आ गया? दो ओवरी कमर के पास होगी यहाँ पे, तो दो ओवरी होती है, इन ओवरी से तीन हार्मोन निकलेंगे। अब ध्यान से समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड के निर्माण में मदद करता है, ओभम के निर्माण में मदद करता है। प्रोजेस्ट्रॉन, नाम से स्पष्ट है, प्रोजेस्ट्रॉन ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट मतलब बचाव करेगा। माँ के पेट में जब बच्चा आ गया है ना तो बच्चे की रक्षा करेगा, उसे 9 महीने तक संभाल के रखेगा। और यही प्रोजेस्ट्रॉन कभी कभी कम हो जाता है ना तो देखेंगे बच्चा 2 महीना पे हो जाता है, मर जाता है, तो बोलते हैं बच्चा नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने वाला प्रोजेस्ट्रॉन नहीं था या कम पड़ गया था। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब वही कभी कभी प्रोजेस्ट्रॉन कम होता है तो कोई लड़का ना 7 महीने में पैदा हो जाता है, 7 महीने में पैदा होगा तो इसे मिरकुचा हो जाएगा, इसे इसे तो लोग बोलते हैं सतवासल है ससुराई। समझ आ गया? अब देखिए रिलैक्सिन क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ से वो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है जो मांसपेशियों को फैला देता है।
तो ये है रिलैक्सिंग हार्मोन। यही रिलैक्सिंग हार्मोन नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। अगर ये रिलैक्सिंग हार्मोन कम पड़ जाए तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। आजकल इसका कुछ डॉक्टर भी मिसयूज करते हैं, वो उस महिला को सारी दवाइयां देते हैं गर्भवती महिला को, और एक ऐसी भी दवा दे देते हैं ना जो रिलैक्सिंग हार्मोन बनने ही नहीं देता है, और उस महिला से कह देते हैं कि ये वाली दवा टाइम से खाना। अब उस ससुरी उसी दवाइयां को एकदम चाव से खाती है, खो ससुरी। अब उससे क्या हो जाता है कि रिलैक्सिंग हार्मोन बनेगा नहीं, अब उसका नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल से डिलीवरी होगी नहीं, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन से लड़का को तो कोई दिक्कत नहीं होता है, महिला को ज्यादा सुरक्षा देना पड़ता है लड़का से। 6 महीना तक सीढ़ी मत चढ़ो, ये मत करो मत, एक तो नखरा अपने होती है लोग, और उस पे से वो ऑपरेशन हो गया। देहात में वो कहावत कहते हैं, रोए के रहनी तले अखिये को दागे, और बढ़िया बहाना मिल गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सबको लड़का लोग, ये समझना कि गोनाड ग्लैंड के बारे में डिटेल से जानकारी हम प्रजनन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको हल्का बता दिए गोनाड के बारे में, बाकी तो डिटेल बता आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में बताते हैं। देखिए गोनाड ग्लैंड तक आप 7 ग्रंथियां देख ली, सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी देखते हैं हम लोग कौन सा, 8वां नंबर। देखिए ऐसे तो ये हमको ब्रेन में ही पढ़ लेना था, बट देखिए इतना ज्यादा काम है ना पिट्यूटरी का, इसलिए इसको साइड में रखे, बड़ा चीज को साइड में निपटा देना। हम समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है ना ये ब्रेन के एकदम नीचे होता है, जैसे जैसे पीयूष ग्रंथि रखा हुआ है और उसी के ऊपर ब्रेन रखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन के एकदम बेस में, यानी आप आधार में कहिए या उसके तल में कहिए, ये रखा रहता है। इसका वजन मात्र 0.6 ग्राम होता है, यह बहुत ही छोटी ग्रंथि है, बहुत छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है। इतना तो पता ही कि ये अंतरस्रावी है, ये सब छोटी। देखिए इससे भी एक छोटी होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से भी छोटी होती है, बट ऑप्शन में अक्सर देता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीनियल ऑप्शन में नहीं रहता है तो पीयूष आदमी लगा देता है। तो देखिए ये पीनियल ग्रंथि इससे भी छोटी होती है, ये पूरे बॉडी को कमोबेश कंट्रोल करती है, लगभग लगभग ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर देती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप बताइए क्या यह पारा आउट यानी पाराथायराइड को कंट्रोल कर पाती है, नहीं, लेकिन ये सबको कंट्रोल कर देती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये हो गई मास्टर ग्रंथि, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी ग्रंथियों का यह बाप है पीयूष ग्रंथि। हम याद कीजिए तो अगर ये पीयूष ग्रंथि बाप है तो दादा कौन है, हाइपोथैलेमस, वो पूरी की पूरी पीयूष ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो ग्रंथियों का बाप पीयूष ग्रंथि, और ग्रंथियों का दादा कौन सा, वो आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, तो ग्रंथियों का परदादा हो जाएगा ये ब्रेन, इसलिए ब्रेन को सुरक्षा देना जरूरी है, इसलिए हेलमेट नहीं पहनिएगा ना तो पुलिस बहुत मार मारती है, फाइन भी लगाती है कि परदादा को सुरक्षा दो। तो देखिए ध्यान से, अब ये पीयूष ग्रंथि से ना अलग अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं, बेसिकली 4 टाइप के निकलते हैं, हम उन चारों को देखते हैं। सबसे पहला होता है TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब कभी भी शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो ब्रेन जो होता है कौन सा हार्मोन छोड़ता है, TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों छोड़ता है, जब शरीर में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो ये इसे छोड़ देता है ताकि थायरॉक्सिन की जरूरत पूरी हो सके, समझ आ गया आप लोगों को। तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। अब दूसरा आता है STH, STH का होता है सोमेटोट्रोपिक, कौन सा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है, अगर ये ससुरा ज्यादा निकलेगा तो भीम का शरीर हो जाएगा, इसको जाइंटिज्म कहते हैं, जाइंट, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जाइंटिस्ट बीमारी किससे होती है, तो STH हार्मोन। खली का शरीर देखे ना WWF वाला ग्रेट खली, भयानक है एकदम, वहां पे किसके वजह से, STH की वजह से। किसी किसी में ये STH बहुत कम निकलता है तो उसका शरीर एकदम ठेमरा जाता है, देहात में बोलते हैं एकदम बौना हो गया, सर्कस में जाएगा ठेमरा गया, बंठा हो गया, एकदम बौना हो जाता है वो, शॉर्ट शरीर हो जाती है उसकी, किसके वजह से, STH हार्मोन की वजह से, समझ आ गया। इसी पीयूष ग्रंथि से जो तीसरा हार्मोन है LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या करता है बाबू, ये दूध के निर्माण में मदद करता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध के निर्माण में कौन मदद करता है, तो लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन के निर्माण में कौन मदद किया, LTH हार्मोन। LTH हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, समझ आ गया। देखिए बाबू दूध बनाया कौन, माँ के स्तन में दूध बनाता कौन है,
ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन या LTH हार्मोन। लेकिन देखिए गाय भैंस को भी आप देखिएगा दूध दुहने में कितना तकलीफ होता है, अगर आप दूध दुहिएगा तो बहुत मेहनत लगता है उसको दुहने में, तो गाय का बच्चा कैसे दूध पी पाएगा, तो एक दिन का बच्चा में उतनी शक्ति होती है नहीं होती है। इसीलिए दूध को स्तन से आराम से निकाला जा सके इसके लिए एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दूध को स्रावित कर देता है, बाहर आराम से निकाल लेता है, इसलिए दो दिन का बच्चा भी ना आराम से दूध पी सकता है। किसके वजह से? ऑक्सीटोसिन के वजह से। अब जानवरों को देखिएगा ना, मानव इतना निर्दयी हो जाता है ना कि गाय भैंस को ना ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का इंजेक्शन लगा देता है। गाय जो होती है अपने बच्चे के लिए दूध को थम में ना रोक लेती है कि मेरे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन आदमी से बढ़कर दरिद्र, उसी का तो नतीजा है सब कोरोना। हम लोग ने प्रकृति पे कम अत्याचार किए हैं, तो पर अत्याचार का ही ये नतीजा है कोरोना। हम लोग गाय भैंस को ना थन में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, अब वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का स्राव कर देता है। तो देखिए दूध बनाने के लिए LTH या प्रोलैक्टिन, और दूध को बाहर निकालने के लिए शरीर के ऑक्सीटोसिन निकालना चाहिए। हालांकि इस पर सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लोग अपना वाला करते हैं। अब इसी पीयूष ग्रंथि से एक पचवा टाइप का जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। अगर ये ज्यादा होगा तो पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और पेशाब करने में ना जलन होने लगेगी, और अगर ये कम हो गया तो फिर पेशाब एकदम पतला हो जाएगा और शरीर से ज्यादा ही पानी निकल जाएगा, बॉडी का पूरा पानी निकल जाएगा। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन, समझ आ गया। तो ये पीयूष ग्रंथि से कितने प्रकार के हार्मोन, पांच तरह का। आप बताइए TSH थायराइड को, STH पूरे शरीर की वृद्धि को, ज्यादा निकल गया तो क्या हो जाएगा, जाइंटिनिज्म हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, LTH दूध बनाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रोलैक्टिन, ये दूध बनाएगा, और दूध को निकालेगा कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, समझ में आ गया। और वैसोप्रेसिन पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहिएगा कि दूध बनाने का काम ब्रेन से हो रहा है, दूध को स्रावित करने के लिए ब्रेन से हो रहा है, तो फिर स्तन क्या करता है, स्तन केवल दूध को स्टोर करने का काम करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये आप अंतःस्रावी ग्रंथि समझ गए। अब इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिश्रित ग्रंथि बता देंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।